बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, नज़ला रहता है, जुकाम रहता है और बहुत ज़्यादा भीग जाते हैं बारिश में भीगने के कारण उनको निमोनिया हो जाती है, ठंड हो जाती है, गले में खरांसे पड़ती हैं, घर घर करते हैं। उन कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, खांसी को ख़त्म करने के लिए सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, कोल्ड को ख़त्म करने के लिए सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के बारे में बताएंगे कि आई कोल्ड डीएस नाम से सिरप देख सकते हैं ये आपको आपके सामने। इस सिरप में 60 ml लिक्विड आता है फ्रेंड। इसके सबसे पहले बात करते हैं इसके कंटेंट, किसके अंदर क्या क्या साल डाल गया देख सकते हैं आप। सेट्राजिन दिया गया है इसमें, हाइड्रोक्लोराइड दिया गया, फिनार्मिन दिया गया, हेट्रोक्लोराइड दिया गया, पैरासिटामोल सस्पेंशन दिया गया है। इस सब साल्ट से इस की आई कोल्ड डीएस सिरप को बनाया गया है। इसकी मार्केट प्राइस है, इसका जो मार्केट प्राइस है वो देख सकते हैं आप, ये मात्र 75 रुपये में मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत आसानी से आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। जब बात इसके यूजेस की, इसको कौन सी कंडीशन में यूज़ किया जाता है, जिन लोगों के बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है, नज़ला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, एंटिक वाली निमोनिया हो जाती है, उस निमोनिया को ठीक करने के लिए सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा घर घर बहुत ज़्यादा करते हैं, खरासे हो जाती हैं गले में और रोते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ खा नहीं पाते हैं, दूध वगैरह पी नहीं पाते हैं, तो उन कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है, बच्चों को सर्दी हो जाती है, उन खांसी सर्दी को ख़त्म करने के लिए सिरप का यूज़ किया जाता है और बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार ड्रॉप है ये। आपके बच्चों को किसी तरह की प्रॉब्लम हो उसमें सॉल्यूशन देने के लिए सिरप का यूज़ किया जाता है। आपके बच्चों को खांसी हो, सर्दी हो, निमोनिया हो, जुकाम हो गया हो, कोल्ड हो गया हो, नाक बहुत ज़्यादा बहती हो, उन सब कंडीशन में सिरप का यूज़ किया जाता है गाइस। अगर आपके बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तब आप इस सिरप का यूज़ करवा सकते हैं। अब जान लेते हैं इसकी डोज, इसकी डोज़ क्या है। इसकी जो नॉर्मली डोज है 2.5 ml तीनों टाइम दिया जाता है। अगर बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो उसको 2.5 ml तीनों टाइम दिया जाता है। अगर वो 5 साल से ऊपर का है तो उसको 5 ml तीनों टाइम दिया जाता है। अगर आपके बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तब आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार ड्रॉप है, अच्छे रिजल्ट में आता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं, मात्र 60-70 रुपये के लमसम मिल जाएगा आपको मेडिकल स्टोर से। ये ड्रॉप ऐसा है हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल। इसके यूजेज बेनिफिट अब हम बता रहे हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आप बच्चे को इस पिला रहे हैं तो आपके बच्चे के रेडनेस हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, पेट में दर्द वगैरह हो सकता है, ऐसे कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आप इस सिरप का इस्तेमाल ना करें, तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। आपको समझ में आ गया होगा क्या है कोल्ड डीएस सिरप के बारे में, हमने आपको बता दिया विस्तार से, संपूर्ण जानकारी दी, यूजेज बेनिफिट साइड इफेक्ट सब कुछ बता दिया अच्छे से। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी दवाइयों की जानकारी वाली वीडियो आपको लाते हैं और इस चैनल पे लाते रहते हैं हमेशा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल को दबा दिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके, आप जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।